जानवरों को गिन सकते हैं, पेड़ पौधों को गिन सकते हैं, तो आदमी को क्यों नहीं गिन सकते हैं। डर ये भी है कि अगर इनको सही गणना करा दी जाए तो इनकी सरकार चली जाएगी। नीतीश जी की सरकार विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये तो अमानवीय बात है, ये मानवाधिकार में बात उठाई जाने की चीज है। दिक्कत कहाँ आ रही है भाई, उनको तो साफ साफ सबका गिनती करवा देना चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि आप दुल्हों के चाची या दुल्हनों के चाची हो जाइएगा, ये भारत वर्ष में संभव नहीं है। नहीं है। मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूँ हमजा। देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर सवाल है और बवाल है, जहाँ राजद सवाल भी उठा रहे हो और एक्शन मोड में है, वहीं बीजेपी कह रही है कि जो केंद्र फैसला लेगी हम उसी के साथ है। जदयू डगमडोल की स्थिति में, ना कुछ हाँ में है ना कुछ ना में है। मैं ये पटना की जनता है, इससे जानेंगे कि क्या सोचते हैं जातिगत जनगणना पर। आपका क्या ख्याल है सर? मेरा मानना है कि जब आप जानवरों को गिन सकते हैं, पेड़ पौधों को गिन सकते हैं, तो आदमी को क्यों नहीं गिन सकते हैं। जाति जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। भाजपा कहती है कि इससे बंटवारा होगा। नहीं, इससे कोई बंटवारा नहीं होगा। जाति जनगणना का मतलब होता है कि जो जातियां हैं उसकी सही में भारत में स्थिति क्या है, चाहे सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, उनका स्टेटस तभी सही से पता चलेगा जब उनकी गिनती की जाए और उनका जो संवैधानिक अधिकार है वो तभी मिल पाएगा 100% जब उनकी गिनती होनी चाहिए कि उनकी आबादी कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आपको लगता है जातिगत जनगणना होना चाहिए? बिल्कुल, हमें लगता है और हमारा संगठन। तो क्यों नहीं करवाना चाहती सरकार? सरकार इसलिए करवाना नहीं चाहती है कि अगर जाति जनगणना कराएगी जी तो सरकार की पोल खुल जाएगी। क्या पोल खुलेगी? पोल ये खुलेगी कि जो समाज के जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनकी आबादी आज के समय में जितनी है उतनी प्रतिनिधित्व नहीं है। चाहे आप शिक्षा में ले लीजिए, चाहे आप अधिकारियों के रूप में ले लीजिए, कहीं भी जितनी उनकी जातियां हैं उनकी प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर उनकी जाति भागीदारी उतनी हिस्सेदारी नहीं, बिल्कुल, तो भागीदारी के अनुसार हिस्सेदारी नहीं है। अगर जाति जनगणना करा दी जाएगी तो लोग जो है ना अपने अधिकार के लिए सड़कों पर आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे इस डर से। नहीं, दूसरी डर ये भी है कि अगर इनको सही गणना करा दी जाए तो इनकी सरकार चली जाएगी। इनकी सरकार क्या लगता है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए दादा? जातीय जनगणना एकदम होनी चाहिए। अच्छा। जब कुत्ते बिल्ली की जनगणना हो सकती है, जानवर की जनगणना, तो मनुष्य की जनगणना क्यों नहीं जी? उसकी जातीय जनगणना क्यों नहीं हो सकती जी? इससे बंटवारा होगा ना। किस चीज की बंटवारा? भाजपा कहती है बंटवारा हो जाएगा, जाति में बंट जाएंगे लोग। नहीं, जाति तक क्या आज जाति में नहीं है? आप कहते हो कि हम हिंदू है, तो हिंदू उस समय है जब आपको वोट लेने के लिए है जी। जब कहीं दंगा कराने के लिए है तो आपको हिंदू हो और अच्छा, मुसलमान हो। अच्छा। और जहाँ किसी रिजर्वेशन की जरूरत है, हाँ। नौकरी की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, हाँ। तो वहाँ धोबी, चमार, दुसाद, पासी, कुम्हार और हाँ। पंडित और राजपूत हो जाते हो, तो क्या यह जातीय नहीं है? तो जातिगत जनगणना से क्या फायदा हो जाएगा लोगों के मन में? जातीय गणना से ये फायदा होगा कि कौन कितना है और कितना शिक्षा में है, अगर कितना किसका परसेंटेज है और वो उसके अनुसार उसको मिल पाया या नहीं, मैंने जो भागीदारी उसको है होना चाहिए नहीं संविधान के। जी, आएंगे आएंगे। राष्ट्र जो संविधान के अनुसार जिसको जो मिला हुआ है उसको है, या जो सामाजिक बनावट है उसके अनुसार उसको भागीदारी में उतना जगह है या नहीं। अच्छा, तो जातिगत गणना होना चाहिए? होना चाहिए। तो क्यों नहीं करवा रही सरकार? ये तो उसकी मंशा है ना। नीतीश जी को क्या करना चाहिए अब? नीतीश जी तो अपना, अब नीतीश जी क्या करेंगे, वो तो दो नाव पर हैं। फोटो खिंचवा देते तेजस्वी के साथ, वो तो दो नाव पर हैं कि हम कराएं या नहीं कराएं। अब तो उनकी मंशा क्या, तो हम नहीं जानते। जनता क्या लगता है नीतीश जी को क्या करना चाहिए अब? नीतीश जी को सरकार विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो किधर जाए बेचारे वो? अब ये बताइए, क्या इंदिरा गांधी नहीं रही तो क्या सरकार नहीं चल रही है? चल रही है। राजीव गांधी नहीं रहे तो क्या सरकार नहीं चल रही है? चल रही है। क्या इसके पहले जितने भी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे वो नहीं है तो क्या बिहार नहीं चल रही है? तो मतलब एक स्टैंड लेके विड्रॉ कर लेना चाहिए, अंतरात्मा सुनना चाहिए, एकदम अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए। क्या करें नीतीश जी, पहले तो फोटो खिंचवा लिए तेजस्वी के साथ जातीय जनगणना पे, अब नहीं कर रही है केंद्र सरकार, क्या लगता है? तो ये तो नीतीश की ने अब देखने की बात है कि वो किस तरफ पैर रख रहे हैं जी, बिहार के तरफ हैं कि दिल्ली के तरफ हैं जी। बोलिए, बिहार के मुखिया तो वही हैं, तो यही तो बिहार के लोगों का कल्याण के बारे में क्या सोच रहे हैं जी।
कल्याण कैसे होगा महाराज? लोग पूछते हैं ना कि पूछिएगा जो बोलते हैं कि जातिगत जनगणना से कल्याण होगा, कैसे होगा? बिल्कुल होगा। राष्ट्रीय आय का जो भाग है विकास में खर्च होती है, तो खर्च करने के लिए आप डाटा लेंगे कि कितने लोगों को क्या देना जी। जब लोगों का नाम ही लिस्ट में नहीं है कि आप 1,00,000 आदमी है कि 25,000 है, तो क्या होगा? उन लोगों का तो अधिकार ही गायब हो जाएंगे जी। जी हाँ, ये तो माना, ये तो अमानवीय बात है, ये मानवाधिकार में बात उठारी जाने की चीज़ है कि अमानवीय कृत्य है ये। अच्छा, आपके मनसा ठीक नहीं है, मोदी जी की मनसा ठीक नहीं है लगता तो यही है। जिस तरह के टाल मटोल उठा पटक ठेल ढकेल चल रहा है, तो मनसा पे तो शक है ही ना। अच्छा, तो अब नीतीश जी क्या करें हमारे? तब नीतीश जी क्या करें, वो तो अब इस पर उनको तुरंत कड़ी फैसला लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो ये भी जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। धोखा दे रहे हैं तो और क्या होगा? वो तो बोलते हैं कि भाई हम तो जब बिहार के लिए सब कुछ कर लेंगे। सब कुछ कर लेंगे तो कहाँ कर ले रहे हैं, तो बारी आए, इससे पहले तो कुछ करने की बारी नहीं थी, अब बारी आ गई कुछ करने के लिए। तो क्या सजेशन देना चाहिए? सजेशन यही दे रहे हैं कि जनसंख्या पर वो स्टैंड लें, जातिगत जनगणना पर। बिल्कुल, स्टैंड का मतलब आपके हिसाब से? मतलब कि वो खड़ा हो कि जाति जनगणना होनी चाहिए। सेंट्रल तो मना कर दी, खड़े तो हुए थे, मना कर लिया, तो सेंट्रल के साथ ये हाथ मिलाए हुए, हाथ हटावे, हटा ले, बिल्कुल अलग हो जाए, तो क्या करेंगे फिर? मुख्यमंत्री कैसे रहेंगे? क्या बात कर रहे हैं, उनको खाने का घट रहा है क्या? अच्छा, चार बार मुख्यमंत्री बन गए, कुर्सियाँ कैसे बचे? कुर्सी के लिए क्या, कुर्सी तो कोई चीज नहीं है, वो तो आम आवाम की चीज़ है ना, उस पर सेवक को बैठने के लिए है, जो उस लायक होगा बैठेगा। अच्छा, मतलब नीतीश जी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल, उनको अपना कुर्सी का मुंह नहीं करना चाहिए। नहीं, और सब तो कुर्सी का खेल है ना, कुर्सी का खेल कैसे है? अब तो कहेगा ये नसीब का खेल है। अच्छा, आप तो कर्म की बात कही है, कर्म में तो कुर्सी नहीं आती है, कर्म में कुर्सी नहीं आती, नहीं आती है जी। बोलिए जी। जी क्या कहना है, आप क्या करना चाहिए हमारे नीतीश जी को? देखिए नीतीश जी, पहले जरा सा मोदी जी के बारे में आप जान लीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसा है कि मोदी जी तो आरक्षण को मानते हैं। हाँ। आरक्षण उन्होंने 10% दिया है आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को जी। इससे उनकी मानसिकता साफ जाहिर होती है। हाँ। कि आरक्षण के द्वारा जो समाज में किसी भी जाति धर्म के लोग, जनसंख्या सब सभी जातियों का जनसंख्या, नियत सही नहीं है का? नियत बिल्कुल सही नहीं है, वो तो बोलते हैं कि नियत और नीति दोनों साफ है। देखिए आप किनके बारे में बोल रहे हैं? मोदी जी। मोदी जी के बारे में अगर बोल रहे हैं कि नियत और नीति दोनों साफ है, बोलते हैं, तो उनको तो एकदम साफ एजेंडा कर देना चाहिए, क्योंकि भारत में तो जातियों में लोग विभक्त हैं, धर्म में लोग विभक्त हैं, तो फिर उनको यहाँ पर दिक्कत कहाँ आ रही है भाई? उनको तो साफ साफ सबका गिनती करवा देना चाहिए। नीतीश जी अब क्या करे बेचारे, फोटो तो खिंचवा लेते तेजस्वी के साथ जाके खड़ा होकर। अब देखिए एक बात है, ये नहीं हो सकता है कि आप दूल्हों के चाची या दुल्हनों के चाची हो जाइएगा। ये कैसे होगा? चाहे आप दूल्हे के चाची रहिए, चाहे दुल्हने के चाची रहिए, दोनों तरफ से रिश्ता रहेगा, इन्हें हो जाएगा फिर इधर से। देखिए अब जो है ना, लोग रिश्ता को भी समझता है। अच्छा, भारत एक ऐसा देश है, अगर रिश्ता को नहीं समझा जाता तो सामाजिक संस्कृति तो नहीं बचती। बिहार के लोग क्या चाहते हैं, किधर से रिश्ता रखे? बिहार के लोग तो चाहते हैं कि भाई आप जो हैं यहाँ एक दलित, आपको दलित नेता मानता है, आपको अत्यंत पिछड़ा नेता मानता है, आपको पिछड़ा नेता भी मानता है। कुर्सी, जो कुर्सी का पौआ है उसमें तो भाई भाजपा का भी एगो पौआ लगा हुआ है ना। अब देखिए भाजपा का पौआ इनके साथ सबसे बड़का वाला वही है संभाले हुए। चलिए ठीक है, हम मान लिए भाई आप 40 सीट में है, 44 सीट में है, और 74 को 74 वो है, सब बात सही है, लेकिन इनको इसमें एजेंडा साफ करना चाहिए कि अगर आपको 44 सीट मिला है तो निश्चित रूप से इसमें जो कहां जाएंगे बेचारे, बताइए। देखिए कुर्सियां पे कैसे बैठेंगे? देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीतीश कुमार जी ही राजनीति कर रहे हैं, पूरे भारत में आज तक का पहला पॉलिटिशियन ही है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे पॉलिटिशियन अपना एजेंडा साफ साफ समाज में किए हैं कि हमको किस धारा में जाना है। इनको तो बहती हवा से दोनों धारा में चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? इधर भी पहले उधर भी पहले तो बह रहे हैं, दोनों तरफ बह ही रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब भी कम से कम इनको ये स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उम्र के अनुसार भी अंतिम पड़ाव पे खड़े हैं, राजनीति में इन्होंने सब कुछ हासिल किया, एक विधायक से लेकर के जो व्यक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल का शोभा चक्र बन करके रहा हो, इस व्यक्ति को लिए मैं समझता हूँ लगातार ही 16 साल हो गया बिहार में भी मुख्यमंत्री जैसे पद को सुशोभित कर रहे हैं, अब इससे ज़्यादा इनको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। अगर चाहिए भी ना तो भारत की जनता दे देगी इनको, बिहार की जनता भी दे देगी। अच्छा। लेकिन समस्या यह है कि आप अपना एजेंडा साफ कीजिए। एजेंडा तो साफ है। क्या एजेंडा साफ है? कि सबका विकास करेंगे, सबको नीचे से लेकर ऊपर चले जाएंगे। एक बात बताते हैं, विकास किए भी हैं,
इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। आज 24 घंटा बिजली मिल रहा है, किसी को इन्वर्टर चलाने की जरूरत नहीं। जो नीचे पैदान के लोग हैं उनको ऊपर ले जाएंगे ना, बिना जातिगत जनगणना का हो सकता है ना? नहीं होगा, ये भारत वर्ष में संभव नहीं है। नहीं है, चलिए देखिए, ये बिहार की जनता जिससे हमने बात की जातिगत जनगणना पर, क्या करना चाहिए, क्या सोचती है, नीतीश जी को कौन सा स्टैंड लेना चाहिए। क्लियर क्लियर बता दिया नीतीश जी, 16 साल से मुख्यमंत्री हैं आप, बहुत को किच किया है, मैं बिना जातिगत जनगणना के जो नीचे तबके के लोग हैं वो ऊपर नहीं आ सकते, स्टैंड लीजिए ना आप। ये ऐसा नहीं हो सकता कि चाचों के दुल्हे चाची हो जाइए, दुल्हों के चाचा और दुल्हनों के चाची, ऐसा नहीं हो सकता। रिश्ता एक ही तरफ रखना होगा और रिश्ता बिहार के भलाई के, गरीब सबके लिए रखिए, बिहार के लिए रखिए। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।